पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि केजरीवाल पंजाब में राष्ट्र विरोधी शक्तियों को खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। संगरूर में गुरुवार को खाट सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने पंजाब में पिछले दिनों हुए बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर यह हमला बोला। राहुल ने कहा कि जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया, जिनके कारण राज्य हिंसा के दौर से गुजरा, आज वह ताकतें फिर सिर उठा रही हैं। राहुल ने इसके बाद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह इन ताकतों को खड़ा कर रहे हैं, वह इनकी मदद कर रहे हैं। अगर ये शक्तियां खड़ी हो गई तो विकास का सारा एजेंडा दूसरी तरफ चला जाएगा। दूसरी तरफ राहुल ने अकाली भाजपा की तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में अकाली दल की सरकार आने से पहले सब ठीक चल रहा था। जब सरकार सत्ता में आई तो कहा गया कि गुरु नानक जी की सोच पर काम करेंगे, लेकिन आज वे बस मेरा मेरा करते रहते हैं। उन्हें तेरा तेरा तो करना आता ही नहीं। बादल कहते हैं सब मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मेरा करने वाला जनता की सेवा कैसे करेगा, ऐसा इंसान लोगों के सपने कैसे पूरे करेगा। राहुल ने कहा कि पंजाब में शराब का कमीशन बादल परिवार को दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ झूठे वायदे करने नहीं आया हूँ। जो कह रहा हूँ वह करके भी दिखाऊंगा। नशे का जड़ से खात्मा करूंगा, युवाओं के लिए रोजगार लेकर आऊंगा, किसानों को कर्ज माफ कराऊंगा, अमरिंदर सिंह के सीएम बनते ही ड्रग्स रोकने के लिए कड़ा कानून लाऊंगा, नशे के सौदागरों को जेलों में डालकर उनकी जमीन जायदाद जब्त की जाएगी। तो आज संगरूर में राहुल गांधी भाजपा और अकाली दल पर बेहद आक्रामक नजर आए, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और मतदान 4 फरवरी को होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।